बिल्कुल मसे का गुड्डू है। ये सबा को बहुत ज्यादा भालू पसंद है, बहुत ज्यादा। लाल लाल करो। ओए होए माशाल्लाह। उई वाह, खुद भी हेलना है वो, देखे गर्दन ऐसे करता है फिर ऐसे करता है। अभी जो है बारात वो वापस जा रही है, आप देख सकते हैं, देखें जी वापस जा रहे हैं। ओ रुक कर, एक मिनट, ओ चले गए। और ये कलर तो आपको पता है हसन जानी को कितना जजेगा, क्योंकि हमारा हसन जानी चिट्टा है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहे हैं खुश रहे, आबाद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब भाइयों की दुआ है। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो माशाल्लाह से वो दिन दूर नहीं जो कि अभी हम जो है खोलने लगे हैं गिफ्ट। तो अभी ओपन करते हैं और आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं कि हसन जानी की बर्थडे के गिफ्ट जो है ना वो क्या क्या है। जैसे कि आपको पता है कल हसन की हमने हैप्पी बर्थडे की थी और अपनी ही फैमिली को इनवाइट किया था, तो सारी फैमिली ने जो है हमारे साथ कितनी मोहब्बत दी है, तो ये सब जो है ना अभी हम आपको दिखाएंगे। वो एक ना बच्चू ने वो कर दिया था, इसको साथ इसके साथ लगा लो ताकि फिर वो पहचान इसकी खत्म ना हो कि ये किसका था। आप ऐसे ले आओ, देखते पात्र हो। दिलबर जाने मेरा हसन जाने। अभी जी आ गए हैं, इधर सारे गिफ्ट जमा हो रहे हैं चारपाई पे। हाँ जी, उसके बाद जो है ना हम ओपन करेंगे। और मज़े की बात बताऊं कि ये हमारी फैमिली में ना, मतलब के तकरीबन पहली बार जो है ना हमारी फैमिली में ये गिफ्ट पैक करवाए गए हैं। तो हमारी जो फैमिलीज है, मतलब ऐसे हैप्पी बर्थडे ये जो है पहले नहीं करते थे, अभी शुरू की है। तो अब जो है ना, मतलब ये फर्स्ट बर्थडे थी। पिछली बार भी हमने बर्थडे की कुछ किया तो किसी ने भी कोई ये तवायफ जो है वो नहीं लेकर आए थे। तो अभी जो है फर्स्ट बार हमारी फैमिली ने जो है ना ये हसन जाने के लिए ये गिफ्ट हाँ बनाया। गिफ्ट जो है ये पैक करवाए हैं। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या और चीजें किसने हैं। क्या क्या जो है वो पैक करवाया है। और पहले पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जो है पहले 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 वो खोलते खोल लो हैं। ना, पहले पहले वो खोल लो जो एक तो बच्चों ने, हाँ ये वाला, और इस पे नेम भी देखती जाना और फिर बताती जाना। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, ये गिफ्ट हो गया फ्रॉम असलम खान। हाँ जी, ये सहबा भाभी और असलम भाई का जी ये गिफ्ट था। तो ये बच्चों ने ना शापर फाड़ दिया था, तो इस हाँ वजह जी से हमने तो शापर साथ में चिपका दिया था। बिल्कुल, तो क्योंकि देखना भी था कि ये किसका गिफ्ट है। तो अभी जो है ओपन करते हैं और आप सबके साथ भी शेयर करते हैं कि और हम खुद भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है, चूहे कटे हुए पड़े वाह जी, इतने हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे, ये हसन जानी बहुत ज्यादा जो है पसंद करेगा। अम्मी जान भी आ गई हैं, अम्मी जान आ जाओ आ जाओ। तो ये देखें जी, ये सारे बजने वाले हैं निक्के निक्के। ये जी अम्मी जान, ये सबसे पहला गिफ्ट ओपन किया है असलम असलम भाई भाई का। का ये चुन्ने मुन्ने सारे हसन जाने के लिए। कितने प्यारे और हैं। ये हसन जाने की खर्ची है। हाँ जी, ये भी शापर में पैक है जी। और ये हो गया हसन जाने का ड्रेस सर्दियों का। माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और कलर ये हसन जाने ने कभी भी नहीं पहना, हाँ ये जी, देखें प्यारा माशाल्लाह कलर है, बहुत प्यारा है। गर्मी भी बहुत आ रही है। असलम भाई और भाभी साहबा जो है आप लोग का बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप लोग फर्स्ट ने बार जो है ये, मैंने जैसे आपको बताया फैमिली ने फर्स्ट बार जो है ये गिफ्ट वाला सिलसिला शुरू किया है, बिल्कुल
तो देखें कि फर्स्ट बार भी उन्होंने कितना प्यारा गिफ्ट जो है वो हमारे हसन जानी के लिए बनाया है। तो थैंक यू सो मच असलम खान, शुक्रिया। तो अभी बारी आ चुकी है, एक मिनट सभा में, एक मिनट रुकी, मैं आता हूँ। तो जी अभी जो है ना हम स्टार्ट करते हैं फिजा अब्बास व्लॉग्स। हाँ जी, फिजा अब्बास व्लॉग्स, ये जो है अभी हम इनका प्यारा सा गिफ्ट जो है वो ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या है। ये है जनाब हसन जाने का ड्रेस, खोलो। और ये चुन्नी मुन्नी जराबे, जराबे भी है माशाल्लाह। और ये बाल गेंद वाला जो है ना ड्रेस है हसन जाने का, माशाल्लाह। हाँ ये अमी सर्दियों वाला है ना। हाँ सर्दियों वाला हसन जान जब पैदा हुआ था 3-4 सूट उसके पहले के भी रखे हुए थे, 2-3 ये भी हो गए, अब इसको पूरी सर्दियाँ पूरे हैं। हाँ जी, क्योंकि छोटे बच्चे के ज्यादा ड्रेसेस नहीं लेने चाहिए क्योंकि ऐसे फजूल हो जाते हैं जी। और बच्चे के कपड़े जो है वो मतलब के हंडते भी नहीं है। हाँ पूरे पूरे लेने चाहिए ताकि वो यूज भी करें, उनको हंडाए माने। तो चलो जी उसके बाद जनाब किसका हो गया, रुखसाना विलेज विलो, तेरी मम्मा जानी, रुखसाना विलेज व्लॉग तेरी मम्मा जानी। अब इसका देखते हैं जी, इसने जो है अपने क्या हो गया इसका नवासे को। अपने नवासे को क्या दिया, बुनेन है क्या ड्रेस है। माशाल्लाह ये भी सर्दियों का ड्रेस है जी। हाँ। ये उसकी कूला। ये उसकी नानी की तरफ से, वो शनील वाला है ना, बिल्कुल नरम नरम सा जैसे भालू होते हैं वैसे और है भी ऊपर में, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि हसन जानी के बाल तो है नहीं, फिर ठंड ना लगे। बहुत प्यारा माशाल्लाह। हाँ, ये कलर चले जी है ना। उसकी नानी जी थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसके बाद जी नेक्स्ट, और फिजा आप ही वालों का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, गुलाम बास भाई का भी। हाँ जी चलिए उसके बाद जनाब फ्रॉम मुखलिस, मुखलिस भाई। हाँ जी चले जी अभी जो है ना समीना भाभी और मुखलिस भाई का जो है वो गिफ्ट ओपन करते हैं जी, इसमें देखते हैं कि क्या चीज है। बिल्कुल बेसब्री से है सबको इंतजार। अच्छा सब फाड़ नहीं रही, कह रही है ये वाला कागज जो है फिर काम आता है। बंदा फिर गिफ्ट पैक करता है ना, गिफ्ट पैक तो जहाँ पे लगे ये मेरे काम वैसे भी आने हैं, तो मेरे पास हैं पड़े तो उसको हम फजूल। कल हमने 10 और लिए थे ना, और भी लिए के हम जहाँ जाते हैं गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं ना तो फिर पैकिंग कर लेते हैं। हम सुकून से खोल लें तो क्यों ना ये भी हमारे काम आ जाएंगे। बस सही है, कोई भी चीज जाया नहीं करनी चाहिए। चलो जी अभी खोलते हैं भाभी और भाई का के जी क्या है। माशाल्लाह और सबके मजे की बात है, कलर अलग अलग है अम्मी जान, सब तो बेहतर है। ये होगी हसन जानी की पंजामी, माशाल्लाह ये वो है नर्म वो जैसे होता है कंबल की तरह, कंबल की तरह अंदर गर्म है और बाहर जो है ना दूसरा चमक वाला है, चमक वाला है। ये उसकी कोटी होगी। हाँ जी और उसके ऊपर वाली जो वेस्ट कोट है ना जी, ये बास्केट भी है ऊपर जी। और ये कलर तो आपको पता है हसन जानी को कितना जजेगा, क्योंकि हमारा हसन जानी चिट्टा है। चिट्टे का मतलब सफेद, खूबसूरत। अल्लाह पाक उसकी लंबी जिंदगी करे, नजरबाज से बचाए। सोते है ना दोनों भाई जब सुबह को उठते इतनी सफेद रंगी जो है ना वो भी नजर आ रही होती है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक नजरबाज से बचाए जी। और मुखलिस भाई समीना भाभी आपका बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया। चलो जी उसके बाद खोलते हैं ये वाला। अच्छा इसमें ये वाला खोल लेते हैं, ये है अल्ताफ अली बलोच। हाँ जी गुड़िया आप ही और अल्ताफ भाई। हाँ जी तो उनकी तरफ से जी ये दिया गया है, तो ये अभी ओपन करते हैं। इसमें जो है ना क्या चीज है,
इसमें हसन जाने की सॉक्स मतलब की जुराबे और उसके साथ बाद हो गया जनाब टोपी उसके बाद जनाब हो गया ड्रेस माशाल्लाह। ये भी अम्मी जान कितना जचेगा क्योंकि इसके ऊपर भी बास्केट है और उसके बाद जनाब वो भी है दस्ताने हाथों वाले सिर्फ अंगूठा बना हुआ है बस सही बच्चों की वो उंगलियां छोटी छोटी आप ही गुड़िया आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हसन जानी को और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगेगा। हाँ जी चलो जी उसके बाद खोलते हैं अब इस तरफ से देखते हैं अल्ताफ विलेज फूड अल्ताफ विलेज फूड का गिफ्ट आ चुका है जी डब्बा भी बड़ा है तो अभी इसको खोलते हैं जी ये जो है ना फाड़ना पड़ेगा क्योंकि टेप भी इतनी लगी है। हाँ जी क्योंकि ये दूर से आया है ना तो उन्होंने फिर टेप ज्यादा लगाई है कि कहीं रास्ते में खोल ना जावे जल्दी खोल शमशादी ते शमशादे दा गिफ्ट बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हमारे हसन जाने का माशाल्लाह ये देखें जी कोट अदू की सौगात और साथ में है शिलवार इतनी वीआईपी जोड़ा ओए होए मेरे दिल की आस जो है ना वो पूरी हो गई। ओए हसन जानी कैसे हो बड़ी बड़ी नौक कर ली है हसन जानी ये सबा को बहुत ज्यादा भालू पसंद है बहुत ज्यादा पसंद है मैं कह रही हूं ये अभी ना उधर रखेगी अपने बेड सेट के ऊपर रखेगी मुझे लग रहा है ऐसे ना चले इसको बिठा दे आराम से हाँ ताकि रोए ना ना अच्छा जी उसके बाद दोबारा से आ गया है सबर नहीं पहले उनके हो गए हैं मुकम्मल ये देखो अल्ताफ विलेज फूड और भी आ गया है। अच्छा हाँ जी दो डब्बे ये आ गए और मेरे ख्याल में ये भी अल्ताफ विलेज फूड है जी ये वाला भी चलो जी देखते हैं इनकी तरफ से जो है ना ज्यादा गिफ्ट दिए गए हैं तो अभी दूसरा जो है इनका हम ओपन कर रहे हैं ये लेदर का गिफ्ट है जी ऊपर लिखा हुआ है लेदर लेदर का ओए छोटू ओए छोटू वाह ताके टोटल जो है उसकी टांगे छुप जाए हाँ सही है वो वाली ज्यादा बेस्ट हाँ ये बड़ी है कुछ ये तो उससे बड़ी है हाँ गुड हो गया जी उसके बाद जनाब हसन जानी का जूता वाह वेरी नाइस ये जूता जी सर्दियों के लिए सूट के साथ मैचिंग हो गई जी जूती चले जी ये भी प्यारी है गुड उसके बाद जनाब हो गए गुलदस्ते होए होए ये बेड के ऊपर ये भी रखने वाले हैं सबा इतनी सबा सबा सोने सोने और ये भी हो गया ऐसे पकड़ के रखो दरमियान में अपना चेहरा रखो इनको ऐसे रखो लाल लाल करो होए होए माशाल्लाह और ये भी अभी अल्ताफ विलेज फूड का पड़ा हुआ है जी ये वाला भी शमशादा ते शमशादी ये जी अभी ओपन कर रहे हैं जब तक जो है आप ये देखते रहें जी ये हमारा कमरा जो सजावट हुआ खड़ा है माशाल्लाह अम्मी जान कैसा लग रहा है हाँ। हमने कहा ऐसा खड़ा रहे इसलिए फिर थोड़ी थोड़ी चीजें हम ऐड करते रहेंगे ना एक दिन ये कमरा बिल्कुल दुल्हन बना रहेगा
सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो सबसे प्यारा, सब गिफ्टों को छोड़ दें, सबसे प्यारा गिफ्ट जो है वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा प्यारा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये नसीब वालों को मिलता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी अभी जो है ना, इसको आप जो है सबसे इस उधर चेयर पर रखें क्योंकि जहाँ पे, हाँ जी मैं इसको ना उधर, बल्कि नरम तकिया है उसके ऊपर रख देता हूँ, जब जाएंगे फिर इसे उठा के लेके जाएंगे। ठीक हो गया? ओके। हाँ जी अभी जो है आप और ओपन करें। उसके बाद हो गया, बस इतनी थे ना। उसके बाद फ्रॉम गुलाम महियुद्दीन वकार सिद्दीक। माशाल्लाह जी, ये महियुद्दीन रेंद, ये हमारे छोटे भाई, मुझसे तो बड़े हैं बाकी उसे छोटे हैं। ये महियुद्दीन भाई की तरफ से जी हमें गिफ्ट मौसूल हुआ है जी। अच्छा, एक मिनट, शमशादी पे शमशादा आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने भालू दिया है मुझे क्योंकि ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इतनी हैप्पी हूँ ना बहुत ज्यादा। हाँ जी, और भालू भी हमारे घर में आके बहुत ज्यादा खुश है, वो अपनी टांगे इधर कर रहा है, बाजू इधर कर रहा है, नाक बड़ी होती जा रही है उसकी, बहुत खुश है वो। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तो एक सफर करके आए हैं दूसरे नंबर पे, इतने प्यारे प्यारे आपने गिफ्ट दिए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आपका आखिरी गिफ्ट जो ओपन किया, यकीन करें दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा। हाँ जी, उसके बाद जी अभी ये है महियुद्दीन का ठाका। पार दो यार, इतनी टाइम नहीं होता मेरे। ये अभी ऐसा कह रही है कि हम जब मतलब गिफ्ट पैक करते हैं ना, हाँ मैं अपने चीज, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक चीज बनानी है, वो उसके लिए बचा रही है। अच्छा अच्छा, कुछ मेरे पास है, कुछ ये हो जाएंगे। माशाल्लाह जी, हसन चाली के लिए पहला खिलौना, वो पैर लता वदे टूटा वदे, वो जोर आया होगा, वजन आया है। हाँ अच्छा जी, ये ना ये आपने ऐसा करना है, इसको एल्फी लगा देनी है, सही हो जाएगा। ये प्लास्टिक की होती है ना, इस वजह से इसको जोर आया होगा या नीचे गिराया होगा। तो ये जी हसन चाली की गाड़ी जो है ना, ये पहली पहली फर्स्ट टाइम ये मिली है उसको, और बहुत ज्यादा प्यारी है जी। थैंक यू सो मच। उसके बाद और भी है, ये जो है ना हैंड मिनी हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट मिनी हाथी, हुई हुई इतनी ज्यादा प्यारी हाथी है। क्या हाथी टांगे देखे इसकी काम कर रही है, अमी जट पकड़ लो, नीचे से पकड़ लो। बहुत जबरदस्त है, और ये हसन जानी को आपने बेबो जानी से छुपा लेनी है, ये तो बेबो जानी खराब कर देगा। हसन जानी को अकेले में बेड के ऊपर देनी है, ताकि बल्कि हसन जानी कौन सा खेलता है, वो भी ऊपर से गर्दन को पकड़ेगा इसकी। तो बहुत ज्यादा प्यारे, ये जी महियुद्दीन भाई ने एक सरप्राइज दिया है, सबको ड्रा दिया है कि ऐसा गिफ्ट जो है ना महियुद्दीन भाई ने दिया है जी। भाई आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने इतना प्यारा एलिफेंट लेके आए और मुझे उसने तो ड्रा ही दिया है बहुत ज्यादा। हाँ अभी मेरा जिस्म कांप रहा है, अंगूर हमारा गिर चुका है और उसके बाद हम उसको लगाते हैं, लग गए लग गए। हाँ ये उतार भी लेते हैं, लग भी जाते हैं। चले चलेंगे। उसके बाद आ गया जनाब सबा फादर व्लॉग्स, ठीक हो गया, आपके अब्बू की तरफ से। हसन जानी का ड्रेस ये देखिए, ये भी उसी तरह बिल्कुल नरम है।
माशाल्लाह कितनी प्यारा है जी, आप देख सकते हैं। इसको हाथ लगाओ, भालू की तरह बिल्कुल नरम। वो तेरी हमी ये हाथ लगाओ। कितनी नरम है बिल्कुल। अबू जान आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि इतनी प्यारा कलर लेके आए हसन जानी ने, और पहना भी कभी नहीं है ऐसा कलर ना। हसन जानी के अल्लाह पाक नसीब में करे, आमीन। उसके बाद जनाब ये आ गया गिफ्ट हसन जानी के। शुक्रिया मौलवी साहब, मेरी तरफों भी शुक्रिया। वाली ये ना कहना कि अहमद ने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, थैंक यू सो मच। अच्छा ये गिफ्ट है हसन जानी के चाचू की तरफ से, आप हमारा सोत्र कजन जी। ये मेरी सोत्र, ये मेरी कह रहा हूँ, ये मेरे सोत्र की तरफ से जी गिफ्ट आया है। तो ये अभी ओपन करते हैं कि ये गिफ्ट कैसा है। मुझे लगता है ये भी कोई बड़ा सरप्राइज है। कहते हैं ये सरप्राइज है, किसी को भी नहीं पता। हाँ जी सरप्राइज है, तो गिफ्ट का तो किसी को भी पता नहीं होता ना कि सरप्राइज। अभी सब ने सरप्राइज दिए है ना, क्योंकि गिफ्ट बंद थे ना ही हमें बताया है। तो अभी ये हाथी ने मेरा हाँ काट लिया। चले जी अभी हसन जाने के लिए गिफ्ट हो रहा है ओपन। मैं देख लूं। तेरी केयर हसन जाने का जूता। वो कितनी प्यारा है जी, जबरदस्त। और ये नाइकी वालों का एक नंबर जूता बिल्कुल। इसको तल्ला भी पुराना जिसको लगे ना। तो थैंक यू सो मच सोत्र, आपने इतनी प्यारा गिफ्ट दिया है। चलें जी उसके बाद जो है अभी हम खोलने लगे हैं आखिरी लास्ट गिफ्ट। आखिरी जो है ये गिफ्ट है, इसमें देखते हैं ये है किसका। ये है जनाब अकरम, अकरम भाई का। चलें जी अकरम खान व्लॉग का भी जो है ना हम ये गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। नादिया भाभी और अकरम भाई ने प्यार से दिया है, तो चलें जी अभी इसको देखते हैं कि इसमें जो है ना क्या चीज है। ये भी बिग सरप्राइज है जी हमारे लिए। बिग सरप्राइज तो सारे ही थे माशाल्लाह से, क्योंकि जो जो चीजें हम देखते गए हैं ना उन्होंने बहुत ज्यादा हैरान किया है। हैरान किया है, बहुत अच्छे जबरदस्त गिफ्ट थे। अच्छा जी उसके बाद जनाब इसको भी फटा देते हैं, क्योंकि इसमें भी सारी टेप लगी हुई है, मजबूत बना हुआ है। अगर ज्यादा खोलने बैठेंगे ऐसा ऐसा तो बिल्कुल ज्यादा टाइम ले लेगा ये। डबल है जी, दो है अंदर जाके ये दो हो गए हैं। हाँ जी एक जो है जी माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट। सूट वेरी नाइस, ये बेबो जानी को आएगा। बेबो जानी को आएगा हाँ जी। सारे सूट जो है वो हसन जानी के थे, ये आप बना ले समझे बेबो जानी का है। तो हसन का गिफ्ट, लेकिन वो हसन अपने भाई को गिफ्ट करेगा। गिफ्ट करेगा हाँ जी, क्योंकि तो हसन जानी से बड़ा है तो बेबो जानी को पूरा आ जाएगा। तो ये बेबो जानी को पहना देंगे, क्योंकि फिर वो जो है ना परेशान हो जाएगा। हम बेबो के लिए परेशान थे कि बेबो जो है परेशान होगा, अकरम भाई ने ये परेशानी हल कर दी कि बेबो जानी के लिए। अच्छा जी उसके बाद जनाब ये क्या है। ये जी सरप्राइज है, मुझे तो लगता है कोई गाड़ी होगी। ये डराने वाला तो नहीं है ना। ओह ये हूँ तो मजेदार है। जैसे अकरम भाई खुद ढोल का बजाते हैं वैसे लेके आए हैं। अच्छा इसको बजाने वाला का है, इसमें जी सेल डालेंगे ये ढोल का बजाएगा। ये ना आप ऐसा करो वो हाथी से सेल निकाल के इसमें डाल के देखो। अच्छा हाँ इसको चलाएं तो सही, देखें तो सही कैसे चलता है। हाथी में सेल होंगे। हाँ हाथी में सेल थे तो वो भाग रहा था। अच्छा हाँ हाथी वाला सेल इसमें डालो। मैं क्या भी नहीं दे। इसमें भी दो डालते हैं ना। हाँ चले ये दो वाले डाल दो। इसमें तीन है। अच्छा नीचे भी है, इसमें क्या तक कितने हैं। इसमें दो है मेरे ख्याल। हाँ दो है, दो है। चले चले बताएं कैसे डालने हैं, ऐसे। हाँ ठीक है। अच्छा जी इसका बटन कहाँ है। वाह खुद भी हेल रहा है वो, देखे
गर्दन ऐसे करता है फिर ऐसे करता है। वाह जी वाह, क्या सरप्राइज दिया है अकरम भाई ने, बहुत ही जबरदस्त। ये खास तौर पे मेरे लिए होगा कि ये गिफ्ट, क्योंकि ढोलकी मैं बजाता हूँ ना, इसलिए अकरम भाई ने कहा ये भी तेरी तरह बजाएगा। तो थैंक यू सो मच अकरम भाई, इतने प्यारे सरप्राइज दिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और भाभी नादिया आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कि इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट लाए, और ये ढोलकी वाला तो मजीद सोना है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये थे हमारे हसन जानी की हैप्पी बर्थडे के गिफ्ट जो हमारी अपनी फैमिली ने दिए हैं। तो अल्लाह पाक हमारी तमाम फैमिली को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, और ऐसे प्यार और मोहब्बत को कायम दायम रखे। और हमारी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप भी अपनों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली, भाई बहन, कजन, मसाद, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ खुशियां जो है वो सेलिब्रेट किया करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत जो है वो दिया करें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में है। ये अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है, करम है। काफी लोग होते हैं उसमें दराड़े डलवाते हैं, मतलब कि कोशिश करते हैं कि फैमिली जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाए, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम कैमो दैम है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कैमो दैम आपस में रहेंगे, प्यार और मोहब्बत कैम रहेगी। अल्लाह पाक मजीद जो है ऐसी खुशियां हर किसी के घर में नसीब करे, और हर सब बहन भाइयों के घर में जो है ऐसी खुशियां मजीद होती रहे। अभी जो है हम जा रहे हैं जी फंक्शन पे, ऐसे ना जी, रेडी हो गए आप सब? जी बस दवाई खानी है मैंने, ये मैं क्यों खाती हो, वही जो आपको बीमार थी आप, वही दवाई चल रही है? हाँ जी वही चल रही है। इस दवाई को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। नहीं नहीं, ये मैं नहीं छोड़ सकती, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। नहीं भाई मैं खा रही हूँ। उस दिन मैंने चंगा जो है इसको भी किया था, इसको भी मैंने कहा दवाई, फिर जैसे हम रवाना हुए ये भी दवाई लेने के लिए रवाना हो गया। हाँ जी आपने कहा, मेरा दिल खुश हो गया था कसम से, जब इसने कहा हम नंबर लगवा के आ गए अस्पताल, तो मैंने कहा शुक्र। आप देखे तो भाभी कितनी ठीक हो गई है, तबीयत भी ठीक है, अगर ना करते टाइम पे तो पता नहीं इसकी क्या हालत होती। इसके जो है ना ये सोचती है बीमार है, ये चली जाएगी फिर मैं और शादी करूंगा। ओए होए होए, ऐसी बात नहीं है, मैं भाई की गारंटी देता हूँ भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अभी जो है ये कपड़े निकाल दिए फंक्शन वाले, क्योंकि फंक्शन वाले जो है हम और पहन के जाते होते हैं ऐसे सबा। नहीं यार, मैं अपने लुका यार, जो बात मैं करता हूँ उसको ही रंग दे देते हैं, और मेरी तो बेइज्जती हो जाती है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आगे से वो कुछ बता देते हैं, फिर आप मेरी बेइज्जती करते हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश होता हूँ। नहीं मेरी जान, ये ना वैसे है फंक्शन के लिए, कल मुंशी के फंक्शन पे पहनूंगी। और कल वाली वीडियो हमारी आएगी बहुत बड़े फंक्शन, क्योंकि बीच में जो है ना वो मुंशी भाई का जो है निकाह आ गया है, तो उसके निकाह जो है ना वो हमने कर। ये आपके भैया का मोबाइल है, गुड ओके हो गया, चले आ जाए। अच्छा, आ जाओ सबा, आप हसन जानी ये बेबो सोया हुआ है, ख्याल रखना बेटा, ठीक है? हाँ चलो, आज ठंड ज्यादा है और सर्दी लग रही है, वैसे पता नहीं क्यों तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है ना। चलो चलो जुले, शीशा तो देख लो, जुले सारे जुले, मेरे हाथ कितने गोरे गोरे हो गए माशाल्लाह, सर्दियों में ना ये ऐसे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अंगूठी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हाँ जुत्ती पाग ना भाभी, पाग ना जुत्ती, कहना पावन नहीं पी क्या? कहना मैं एक को, कहना मैं एक को। हाँ अच्छा, ये अभी सर बीच हुए। चलो जुलो जुलो, आओ जुलो आओ। अभी जो है इधर जगह बना रहे हैं, क्योंकि उधर जो क्या कहते हैं उसको, जो हनीफ भाई हैं वो सो जाते होते हैं टाइम से, उनको सुला के फिर हम जाते होते हैं फंक्शन पे। कल जब हम शादी पे जाएंगे ना, इस कमरे को मैं ला दूंगा। जी जी, इस कमरा, ये जैसे डेकोरेशन खड़ा है ना, इसको खड़ा रहने दो सबा, आगे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बेबो जाने के लिए हैप्पी बर्थडे आने वाली है। हाँ जी, चलो ये सजावट हुई करिए, बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसे दुल्हन का कमरा। बिल्कुल जी, ये देखिए पूरा कमरा जो है ना, ये सब बहन भाइयों ने देखा है माशाल्लाह। बेबो की बर्थडे पे ना मजीद कुछ और जो है ना फिर इसमें ऐड करते जाएंगे, इस तरह कमरा हमारा ना फुल होता जाएगा सजावट से। बिल्कुल, इसकी सेज बना देंगे खड़ी तड़ी जैसे होती है यहाँ पे, मतलब वो लगते हैं ऐसे पाइप,
ऐसे लगा के फिर वो वाली जो मैं कह रही हूँ। हाँ। बेबो की बर्थडे पे हम वो वाली लगवा लेंगे जी। अच्छा मैं गुब्बारा गुब्बारा क्या करना है आपने? खुशी इतनी है बल्ला फेंक चलने तो चलो दो जो है ना फिर। मैं आ रहा था उधर यही मुबारकबाद देने, लेकिन आप तो घर बंद करके जा रहे हो। हाँ जी, वो पहले जो आया था वो कौन था? वो मैं था, लेकिन मैंने कहा इधर से घूम फिर के ना आता हूँ फिर मुबारकबाद देकर। अभी फंक्शन पे जा रहे हैं तो मैं कह रहा था आप क्यों जा रहे हो उधर, चलो ना। इसलिए कि आपकी जो बहना है ना उसने मुझे कॉलों पे कॉल करी जा रही है, बोलती है कि जल्दी से आओ, वो वीडियो जो अभी बना के गए ना एडिट हुई है ना अपलोड हुई है। ये तो फिर जाओ जाओ फिर जल्दी जाओ, पहले रोजी रोटी बाद में पेट लग बोझी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जींदे रहे ता मिलांगे, लख वारी मर गए ता दिलों भुलावी ना। डड़े 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 जींदे रहे ता में साडा सजना दूर टिकाणा, अस मुड़ के कोई नहीं आना, तुसा रोंदे रोंदे राणा, अस मुड़ के कोई नहीं आना, साडा सजना दूर टिकाणा, अस मुड़ के कोई नहीं आना। ओ जीवे घोट पियारा, माँ दी अख दा तारा। अगू देखी ढायरा पवे, डेगना पवे जी, नीचे ईटे वगैरह है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जो है वो पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं हम सारे पहुंच चुके हैं। इधर की बाल वगैरह चल रही है। हाँ जी, घर का आधी अख दा तारा, जीवे घोट पियारा, आधी अख दा तारा। ओ सावन माकू सावन माकू, ये आपको ये आस कर रही है। आज जो है मैंने एक न्यू सॉन्ग बनाया है खुद से ही, वो अभी आप अल्ताफ की वीडियो में भी देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, हर किसी के वीडियो में जो है ना वो देख सकते हैं। मेरी वीडियो में नहीं है क्योंकि मैं वो काम कर रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। तो अभी जो है ना हम, और जो है वो काफी कॉमेंट्स आ रहे थे उस हवाले से, अभी हम गा रहे हैं तो आप सबने जरूर सुनना है जी। मेरा जी ढोला फुल टूटिया फुले ना रे, जीवन मेला है जदो निखरिया माई ना रे, मुसाफिर जानिया सारे पटना आने जानिया, वे सब की मुसाफिर जानिया, वे सब की मुसाफिर जानिया से।
अभी जो है बारात वो वापस जा रही है, आप देख सकते हैं वो सामने सारी बारात जो है वो वापस जा रही है। अभी तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हम आपसे इजाजत चाहते हैं। ठीक हो गया जी, अभी हम जा रहे हैं घर। हाँ जी, आपको बताता चलूं कि मुंशी के निकाह की यहाँ पे डिस्कस हुई है, तो सुबह जो है हमने 10 बजे हमने यहाँ से निकलना है 10 बजे, तो गाड़ी भी हमने जो करवाई है वो भी 10 बजे पहुँचेगी। ठीक हो गया, तो फिर सवारियाँ वगैरह हमने अपना ओके कर लिया, सुबह 10 बजे निकलेंगे मुंशी का निकाह पढ़वाने। ठीक हो गया, ओके जी, बाय बाय। आप चाय पिलाने का थैंक यू सो मच। चलो जी, ओके जी, कोई मसला नहीं। हाँ जी, शमशादी ते शमशादा जरा उठी पवो जुल्लो, तुआ कोई था गिनते आया तुसा साडा राह ना भूलो। सदके थी वहां माशाल्लाह, हसन जानी दिल भर जानी सो रहा है, शहजादा बेटा मेरा सोना बेटा, मेरा हसन जानी मेरा दिल भर जानी। देखें जी वात जा रहे हैं, ओ रुक कर एक मिनट, ओ चले गए जी, नहीं रुके। ये रोज आते हैं, रोज जाते हैं, मैं भी आपको रोज दिखाता हूँ इनका आना जाना तो अब मिलेंगे, और अभी हम तमाम अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने गिफ्ट दिए हैं, जिन्होंने नहीं भी दिए, जो नहीं पहुंच पाए, जो पहुंचे हैं, सबका दिल से शुक्रिया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पैंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।